कहा यही जाता है कि तब्दीली हमेशा ऊपर से नीचे आती है। पंजाब में स्मोक का राज है, जिसकी एक बड़ी वजह स्मोक है। आज मैं आपको एक सरकारी ऑफिसर से मिलवाऊंगा जिनके पास गाड़ी तो मौजूद है, लेकिन वो अपने ऑफिस साइकिल पर आते हैं, जिसकी एक बड़ी वजह सिर्फ स्मोक है। उनके देखा देखी उनके जो नीचे अफसरान हैं वो भी साइकिल पर ही अपने ऑफिस में आते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं, आइए उन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। सर क्या रीज़न है? सबसे पहले सर मुझे ये बताएं, इतना बड़ा ऑफिसर वासा के चेयरमैन आप, सर साइकिल पर जब आते हैं तो लोग क्या कहते हैं? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि हम लाहौर के शहरी भी हैं, हम सब खाली सरकारी अफसरान नहीं हैं। दूसरा ये कि स्मॉग का हमारा सीज़न है, नवंबर से लेकर जनवरी तक स्मॉग होती है और धुएँ की वजह से ये होती है। तो धुएँ के अखराज में कमी लाना जहाँ सरकारी महकमों का काम है, आम शहरी का भी काम है। तो आम शहरी की हैसियत से भी, सरकारी महकमे के सरबराह की हैसियत से भी, और इदारे के तमाम मुलाजमीन की तरफ से भी हमारा फ़र्ज बनता है कि हम स्मॉग में कमी लाने के लिए अपना किरदार अदा करें, क्योंकि ये हमारा शहर है और हमने ही कमी लानी है। तो धुएँ के अखराज में कमी लाना साइकिल सबसे बेस्ट इसमें ऑप्शन है। सैयद जाहिद अजीज़ साहब, मुझे ये बताइए कि वासा के पास बहुत से काम है, आप सैनिटेशन देखते हैं, पूरे शहर की गली गली को आपकी जिम्मेदारी है, फिर ये एक एक्स्ट्रा इनिशिएटिव लेने की क्या ज़रूरत थी? ये मैं जैसे पहले गुजारिश की कि पोल्यूशन का खात्मा हमारे जॉब में शामिल है, पानी खड़ा ना हो किसी गली में, सीवरेज सिस्टम सही काम करे, उसके बाद हवा भी साफ़ हो, ये भी एक हमारा इजतमाही और अफरादी फ़र्ज़ है कि अपने शहर की देखभाल करें, इसको अपना शहर समझें, अपना मुल्क है हमारा। तो इस सिलसिले में ये एक हमारा भी रोल है और बाकी लोगों को भी मैं समझता हूँ कि इसमें किरदार अदा करना चाहिए। शहरी, ताजर, किसी भी तबके के लोग हों, वो कोई दिन मुकर्रर करके साइकिलिंग करें, और बल्कि जहाँ तक मुमकिन हो साइकिल पे जाएं, अपनी सेहत भी ठीक रखें और कार्डियोलॉजी के इंस्टीट्यूट्स पे रश कम करें। सर ये मुझे काइंडली बताइएगा कि जो आपके ऑफिसर्स हैं पूरे लाहौर में, जब वो इतना डस्टी रैंक का ऑफिसर अपने घरों में से आता है, शिकायत तो नहीं करते कि सर आपने हमें किस काम लगा दिया? लेकिन नहीं, वो शुरू में उनको ज़रा हेजिटेशन थी और वो इसमें थोड़े से घबरा रहे थे, लेकिन अब उनको एक महसूस हुआ है कि ये एक उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि उनकी फीलिंग अच्छी आती है जब वो थोड़ी सी इसमें एक्सरसाइज कर लेते हैं। दुश्वारी होती है, डाक लाने में मुश्किल होती है, उसके लिए थैले इनको प्रोवाइड इन्होंने रखे हैं और अब ये तमाम के तमाम इस मामले में खुश हैं। अच्छा, खुश हैं। सर मुझे ही बताइएगा कि सेफ सिटी अथॉरिटी में आपका एक नुमाइंदा मौजूद होता है जो लाहौर को मॉनिटर कर रहे होते हैं कि लाहौर में अगर कोई सैनिटेशन का इशू है, सर इस प्रोसीजर को आप कैसे देखते हैं, आपने क्यों ज़रूरी समझा कि आपका एक नुमाइंदा सेफ सिटी में भी होना चाहिए? देखिए, सेफ सिटी हमारे पास इतनी ज़बरदस्त अथॉरिटी है जिसमें हमें फ़ख्र करना चाहिए अपने शहर को, कि हम शहर की तमाम जगह मॉनिटर कर सकते हैं कि कहीं पानी तो नहीं खड़ा, कहीं गटर का ढक्कन तो नहीं गायब, और शहर की जो ओवरऑल सिचुएशन है उसके लिए हमारा नुमाइंदा जब बैठा होता है तो उस मसले के तदारक में फौरी तौर पे एक्शन हो जाता है। बिल्कुल ठीक हो गया सर। सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन ज़रूर होगा कि आप लाहौर के शहरियों को किस तरह इनक्रेज करेंगे कि साइकिलिंग स्मोक से बचिए? ये तो एक हमारा ये बाई एग्जाम्पल हम इनक्रेज कर रहे हैं, हम खुद करके दिखा रहे हैं कि ये करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई इसमें सोशल बैरियर नहीं है, तो वो भी करें। नाज़रीन, ये तो हमारे साथ एमडी वासा सैयद जाहिद अजीज़, कुछ ऑफिसर्स जो बड़ी बड़ी दूर से आते हैं, आई उनसे भी बात करते हैं और उनके भी पूछते हैं कि वो उन्हें कैसा लगता है जब वो ऑफिस से आते हैं। नाज़रीन, आपने एमडी वासा को देखा, वो तो साइकिल पर आने में कोई हेजिटेशन फील नहीं करते और आ जाते हैं साइकिल पर। उसका रीज़न सिर्फ एक है कि स्मोग जो हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रही है उसको ओवरकम करने के लिए। कुछ ऑफिसर्स और भी मौजूद हैं जो उनकी तकलीफ में, उनके जो जूनियर हैं और वो भी साइकिल्स पे ही ऑफिस में आते हैं, उसकी रीज़न क्या है, इन्हीं से पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। आसिफ साहब, मुझे बताइएगा कि सर साइकिल पे जब आते हैं लोग तो कहते होंगे यार एड्डा सीनियर अफसर साइकिल पे, सर व्हाट्स द रीज़न? नहीं, यही एक एमडी साहब का इनिशिएटिव है कि इस हेजिटेशन को हम ख़त्म करें, लोगों में ये शऊर उजागर करें कि साइकिल पे आना एक हेल्दी एक्टिविटी है, इसके मल्टीपल एडवांटेजेस हैं और इसमें किसी किस्म की शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसी बात है। तो सर मुझे ये बताएं कि आपका देखे देखिए क्या आपके जो लोकेलिटी में लोग रहते हैं, आपके रिलेटिव्स या किसी और बंदे को अफेक्ट किया आपने आपकी हैबिट ने? जी बेशक, मेरे जो आप
अपना सोशल सर्कल है और मेरे जो रिलेटिव्स हैं उनमें भी मेरी पिक्चर्स गई हैं और उन्होंने इसको बड़ा अच्छा फील किया है और इसको अप्रिशिएट किया। तो वो इसको अडॉप्ट भी कर सकते हैं। बड़ा अच्छी एग्जांपल कि आप कमोबेश अपने रिलेटिव्स को, अपने नियर वंस को भी अफेक्ट करें इस हेल्दी एक्टिविटी से कि ताकि लोग इसे कर सकें। मेरे साथ एक और सीनियर ऑफिसर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे बताइए कि लाहौर की जो फ़ा है या पंजाब की फ़ा है उसको मेजर इफेक्ट स्मोक कर रही है, साइकिल ही क्यों? सर ये साइकिल वन सोर्स है जो उसमें जो कार्बन मिशन नहीं करता है, बाकी गैसी मिशन नहीं कर रहे, बाकी जितने भी हैं ऑटोमोबाइल ये वो सारे कर रहे हैं और लोग शौकिया भी ऐसी मोटरसाइकिल चला रहे हैं। यानी आपने साइकिल से आए तो मैंने 7 लोगों को देखा है। अच्छा। मैंने तकरीबन 10 किलोमीटर फासला तय किया और मैं पिछले कुछ चार पाँच वीक से एमडी साहब कम से कम डेली आ और जा रहा हूँ। मुझे तकरीबन 47 से लेकर 50 मिनट लगते हैं आने और जाने। 50 मिनट सर आप साइकिल चलाते हैं? एक तरफ 50 मिनट जाने, इसी तरह 50 मिनट वापसी पर जाते हैं। नाज़रीन अगर हमारे सीनियर ऑफिसर्स भी कमोबेश 50 और 50 अगर आप कहें तकरीबन 2 घंटे अगर वो साइकिल चला के अपने ऑफिस आ सकते हैं तो एक बेस्ट एग्जांपल है। रीज़न सिर्फ एक है कि स्मोक के ख़िलाफ़ जो जंग है, कार्बन अमिट्स जो गाड़ियां करती हैं, धुआं जो अमिट साइकिल्स मोटरसाइकिल करती हैं उनके ख़िलाफ़ जो जंग है उसमें ये लोग एक एक्टिव रोल प्ले करें और आपसे मुतकाजी हैं कि आप भी कमोबेश अपने तई कोई ना कोई कोशिश करें कि आपकी गाड़ी, आपकी बाइक स्मोक अमिट ना करे जो अल्टीमेटली स्मोक का सबब बन रही है। नाज़रीन आपने एमडी वासा को तो देखा कि वो साइकिल चलाते हैं, अपने ऑफिस साइकिल पर आते हैं, लेकिन लोग इस बारे में क्या कहते हैं और सबसे बड़ी बात जो साइकिलिस्ट कम्युनिटी है वो क्या इस बारे में राय रखते हैं ये जानते हैं। मेरे साथ इस वक्त खिजर साहब मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। ये तो डेली बेसिस पर साइकिलिंग करते हैं लेकिन वेन ही सीज के एक गवर्नमेंट अदारे के सरबरा साइकिल पर ऑफिस में आते हैं उसका क्या इम्पैक्ट है, इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खिजर आप देख रहे हैं कि एमडी वासा और ये जो जितने ऑफिसर्स हैं ये जब अपनी साइकिल्स पर अपने ऑफिस में आते हैं इसका क्या इम्पैक्ट है? देखिए जी एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, हमारे ये नॉलेज में आया था कि वासा ने ये इनिशिएटिव लिया कि वो अपने कम्यूट्स के लिए साइकिल्स को यूज़ कर रहे हैं वन डे अ वीक। सो प्रोबेबली दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इनिशिएटिव टेकन बाय वासा और अभी ये चीज़ सिर्फ वासा तक महदूद नहीं है बल्कि और भी इदारों तक जा रही है। आई हैव हर्ड फ्रॉम दी एलडीए भी इस चीज़ को भी कंटिन्यू करने लगा है। बहुत से एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स अपने फैकल्टी मेंबर्स को भी इस चीज़ के ऊपर फोर्स करें कि वो इसी किसी तरीके से हफ्ते में एक दिन या दो दिन अपनी कम्यूट में साइकिल्स पे हैं। दिस इज़ यू नो हेल्दी एक्टिविटी फॉर योर मेंटल हेल्थ, फॉर योर फिजिकल हेल्थ और आपके एक ग्रीन इन्वायरमेंट के लिए, क्लीन इन्वायरमेंट के लिए और ख़ास तौर पर जो स्मोक इस वक्त है इन्वायरमेंट के अंदर उस चीज़ को अगर कूप अप करना है तो दिस इज़ प्रोबेबली द बेस्ट एक्टिविटी यू कैन हैव। स्मोक को हम इसी तरह ही डिफीट कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसे थ्रू दिस हेल्दी एक्टिविटीज़। नाज़रीन स्मोक को लड़ने के लिए साइकिल का इस्तेमाल तो ज़रूरी है लेकिन साइकिल का इस्तेमाल एक तरफ से और भी हेल्प कर रहा है, दिल के अस्पतालों में रश कम हो रहा है क्योंकि जब आप साइकिल चलाते हैं खून की सर्कुलेशन की वजह से आपको दिल के अमराज लाहिक नहीं होते। साइकिल को ज़रूर चलाइए, सेफ़ रहें सेफ सिटी के साथ। इसी के साथ उमर बख्त को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।